राजधानी दिल्ली में डेंगू के मरीजों की बढ़ती तादाद ने पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक डेंगू के कुल 162 मामले सामने आए हैं, जिनमें से दो की मौत भी हो चुकी है, लेकिन नगर निगम और दिल्ली सरकार इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं। सितंबर से सावधान, क्योंकि अब डेंगू के डर के साए में जी रही है दिल्ली। आने वाले दिन बीमारियों के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में डेंगू का कहर सबसे ज्यादा टूट रहा है। एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक दिल्ली में 162 मामले सामने आ चुके हैं। एमसीडी के मुताबिक ये आंकड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही सभी नर्सिंग होम से मिल रहे हैं, जबकि सच ये है कि दिल्ली के सभी बड़े अस्पताल हाउसफुल चल रहे हैं। मरीजों को बिस्तर नहीं मिल पा रहा। हर अस्पताल में औसतन 8 से 10 डेंगू के नए मरीज हर रोज आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में डेंगू के 45 मरीज, फोर्टिस अस्पताल में 81 और मूलचंद में 57 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। महज 3 अस्पतालों में ही सरकारी रिपोर्ट की कलई खुल रही है, लेकिन सरकार ये नहीं मानती। मैं समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण जो है जो रेनी सीजन प्रोलॉन्ग हो रहा है और उसके कारण जो है ये ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो हमने एक मीटिंग की थी एक हफ्ता पहले, डिस्कस किया गया था और इसके अंदर में लोकल बॉडीज जो है एमसीडी वगैरह उनसे कहा गया कि डोमेस्टिक ब्रीडिंग वगैरह चेक करें और उसके साथ साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी जो है और इंडिविजुअल भी अपना इस बात का ख्याल रखें कि घर में कहीं पानी इकट्ठा ना हो। डेंगू मच्छर ने दिल्ली में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। डेंगू के मच्छर के लार्वा को मारने के लिए जगह जगह फॉगिंग भी की जा रही है। बावजूद इसके डेंगू के मामले में तेजी से उछाल आ रहा है। इस बार डेंगू जल्दी आ गया है और जब आया है तो थोड़ा फॉर्म ज्यादा, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पर अभी सेवेरिटी कम है। तो इन द नेक्स्ट वीक 10 डेज वी हैव टू कम टू नो दैट हाउ थिंग्स प्रोसीड। इट इज डेफिनेटली अ चैलेंज दैट वी हैव टू सी, वी कैन नॉट प्रिवेंट, वी हैव नॉट बीन एबल टू एजुकेटेड मासेस नॉट क्रिएट कंडीशन लाइक दिस बाय विच वी कैन प्रिवेंट द डेंगू, बट वंस इट कम्स वी हैव टू डायग्नोस अर्ली एंड टू ट्रीट अर्ली ताकि कॉम्प्लिकेशन कम से कम। बीमारियों का इतिहास बताता है कि डेंगू के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना सबसे मुफीद है, यानी कि खतरों के दिन अभी शुरू ही हुए हैं। ऐसे में जानकारी ही बचाव है। 2010 के बाद से दिल्ली वालों को डेंगू का डर एक बार फिर से सताने लगा है। दिनों दिन बढ़ती मरीजों की संख्या और बढ़ते चालानों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन सैमसन दास के साथ रश्मि कुमार।